साथ बता, आप लोग भी साथ में जरूर आइए बैठे, आप भी हैं, आपके पास अगर सर समय हो 10 मिनट आइए बैठिए, हम लोग कुछ विकास की बात करें जरूर। हम लोगों के लिए खुशखबरी, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा, पेरेंट्स के लिए टॉक कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए और मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सभी के लिए खुशखबरी। पहली खुशखबरी ये कि मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ, यही हमारे लिए खुशखबरी। मैं यहाँ से जब वापस गया तो ऑफिस में बैठा, थोड़ी देर बाद मेरे मन में एक विचार आया कि स्टाफ के सभी लोग यहाँ बैठे हैं गुरुजन, और मैं यहाँ तैयार होकर आया हूँ, तो क्यों ना कुछ समय का इस्तेमाल किया जाए। समय का इस्तेमाल हो रहा है, सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि यदि इस कार्य को 15-20 मिनट या 30 मिनट के लिए स्टॉप कर दिया जाए तो इसकी कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक नहीं होगी, मुझे ऐसा लगा। और क्योंकि मेरे भीतर ये एनर्जी भरी हुई है, इसलिए वो एनर्जी बार बार बाहर निकल कर आ रही है, मुझे बार बार उस तरफ खींच रही है, और भीतर से प्रेरणा प्राप्त होती रहती है कि मैं अपने इस अनमोल समय का कहीं सदुपयोग करूं। तो उससे सदुपयोग करने के लिए सर से हमने अनुमति मांगी, बड़े सर से, कि ऐसा चाह रहा हूं। तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही हाँ बोल दिया, बिल्कुल आप करिए जाइए। आप सभी लोग क्या हम मिलकर थोड़े देर डिस्कस करें, इसके लिए तैयार हैं? डिस्कस करने का मतलब यह है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ लेकर आया हूँ देना चाहता हूँ। क्या आप सभी लोग लेने के लिए तैयार हैं, पाने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि सभी लोग तैयार हैं, और कुछ लोग पूरी तरह तैयार नहीं भी होंगे तो तैयार हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस समय जितने गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, क्या और भी टीचर्स हैं या सभी उपस्थित हैं? कुछ लोग जैसे नरेंद्र सर हैं, आते हैं, घनश्याम सर हैं, पार्ट टाइम बैठते हैं। अभी संख्या कितनी है टीचर्स की? 3, 6, 9, 12, 15, 17, करीब 20 टीचर स्टाफ है, 20 की कंपनी में। मैं भी आज सेवा दे चुका हूँ, कुछ लोगों को पहले पता है जब उस समय थे, और लगभग सभी लोगों को पता है। क्या हम सभी को ये पता है कि हम सभी का जीवन अनमोल है? अगर हम सभी को ये पता है कि हम सबका जीवन अनमोल है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा समय अनमोल है। हम ये नहीं कहते हैं कि समय ही धन है, हम ये कहते हैं कि जीवन ही धन है और समय ही जीवन है। हम समय को नहीं जी रहे होते हैं, हम वास्तव में जीवन को जी रहे होते हैं। एक एक पल जो हमारा क्रॉस होता है, उस एक एक पल में हम चार चीजें सीख रहे होते हैं कंटिन्यू। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हूँ, तो वहां पर मुरली पढ़ाई जाती है, करीब 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो उस क्लास में मुरली पढ़ाई जाती है, तो उस मुरली में हम लोग बाबा कहते हैं उनको, परम पिता परमेश्वर शिव को बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि
बच्चों से हम एक ही पल में चार कार्य करवाते हैं। पहला, हम ऑट करवाते हैं, विचार करवाते हैं, अर्थात हम पढ़ाते हैं बच्चों को। और दूसरा, उससे हम होमवर्क करवा रहे होते हैं। तीसरा, हम उससे परीक्षा ले रहे होते हैं। चौथा, हम उसका अनुभव करा रहे होते हैं। चार चीजें एक ही पल में हो रही होती है, पढ़ना, होमवर्क करना, परीक्षा देना, चौथा एक्सपीरियंस प्राप्त करना। एक पल में ये चारों कार्य बाबा हमसे कराते हैं। अब यहाँ पर बाबा यानी परमपिता परमेश्वर शिव का नाम सिर्फ इसलिए आ जाता है कि हम सब उसी से जुड़े हुए हैं, कोई उससे भिन्न नहीं है, हम सभी उसी की संतान हैं। तो एक पल में चार कार्य हो रहे होते हैं, उसको हम तारे के रूल ऑफ तारे, एक हमने उसको इस रूल से विकसित किया और उस पर विचार किया कि एक पल में एक ही साथ में हम चार कार्य कैसे कर रहे होते हैं, चार चीजें कैसे प्राप्त कर रहे हैं। और वो हर क्षण होता है, 24 घंटे के किसी भी पल में होता है। और उसके साथ एक नियम कार्य कर रहा होता है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जीवन के हर अवस्था में कार्य कर रहा होता है, जीवन के हर पल में कार्य कर रहा होता है, जीवन की हर परिस्थिति में कार्य कर रही होती है ये नियम, जीवन के हर विचार में कार्य कर रहा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम जाने या ना जाने फर्क इससे नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि ये नियम काम करता है हमारे जीवन में। और उसके बारे में हम जानते हैं तो उसका लाभ उठा पाते हैं सचमुच, और जब नहीं जानते हैं तो लाभ नहीं उठा पाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो लाभ उठाना हो तो नियमों को जानना जरूरी है। हम कार्य जब कर रहे हैं तो उस कार्य के साथ, उन कार्यों के साथ कुछ नियम कार्य कर रहे होते हैं, नियम कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं, और हम कंटिन्यू कार्य कर रहे होते हैं। यदि हमारे कार्य का कॉम्बिनेशन उस नियम से हो जाए तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं और ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं जिन परिणामों की प्राप्ति के लिए हम सब हर क्षण इच्छा रखते हैं। और लेकिन हमारे इच्छा के विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि क्यों जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ, और मुझे हर्ट हो रही है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, बेचैनी हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं असफल हो रहा हूँ। मैं सफलता चाहता हूँ लेकिन असफलता क्यों प्राप्त हो रही है। इन विचारों से हम घबरा जाते हैं, दुविधा में, चिंता में, तनाव में, परेशानी में, उलझनों में, समस्याओं में घिरते चले जाते हैं और हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम इससे कैसे निकलें या ऐसा क्यों हो रहा है। इन प्रश्नों का जवाब हमें मिलता नहीं है, हम इन प्रश्नों के जवाब को खोजते खोजते परेशान रहते हैं। और वो मिलता कहाँ है, कौन बताएगा, कौन दिखाएगा, कौन समझाएगा, कोई मिल जाए ऐसा जो हमें बता दे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, कोई ऐसी बात बता दे, कोई ऐसा विचार बता दे जो पूरी तरह सत्य हो, फिक्स हो, 100% सत्य हो और मैं वैसा ही कर दूं, मुझे वही रिजल्ट मिल जाए। एक अवस्था ऐसी आती है हमारी और ये अवस्था बार बार आती है। हम इस अवस्था से उबरना चाहते हैं लेकिन हम उबर नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे वही कारण है कि हम उस नियम को नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन वो नियम हमें बार बार प्रेरित करता है, कहता है, बताता है, सुनाता है, समझाता है कि तुम्हें ये करना है, लेकिन वो ढंग नहीं पता होता है कि मैं ये कैसे करूं। हम सब इन चीजों को जानकर इस धरती पर कर्म करने के लिए आए हैं,
यदि हम इन चीजों को, इन नियमों को जानकर कार्य करेंगे तो हमारे जीवन से समस्याएं छू मंतर की तरह हो जाएंगी और हम हर क्षण हल्के रहेंगे, मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा, उबन रही नहीं रहेगी और हम हर क्षण खुश रहेंगे। इन सारी चीजों के मूल में एक बात होती है, वो है खुशी। हर कोई खुशी चाहता है लेकिन उसकी खुशी कहाँ गायब हो जाती है हम जान नहीं पाते और हम कभी कभी खुश होते भी हैं तो डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा खुश हो लूं और बाद में दुख होना पड़े। तो कई बार हम ये भी कह देते हैं कि बहुत हंस रहे हो, थोड़ी देर बाद अभी रोना पड़ेगा। घरों में हम ऐसे शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत हंस रहे हो बेटा, ठीक है हंस लो पता चलेगा, ऐसा हम बोलते हैं। अब हम बोलते समय उस बच्चे को क्या दे रहे हैं, पहले तो हम ले रहे हैं कि मुझे मालूम है, मैंने कंसेप्ट बना लिया, मैंने धारणा बना ली है कि मुझे भी इसी स्थिति से गुजरना है, यानी कि मुझे भी एक बार दुखी होना है, इसलिए मैं भी खुश नहीं रह सकता, पूरी तरह खुलकर नहीं हंस सकता, नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि यही बात हमने अपने पेरेंट्स से भी सुनी थी और मैं वैसे ही चल रहा हूं। लेकिन नहीं, जो सचमुच सफलता के शिखर पर पहुंचे होते हैं, आप उनसे मिलकर देखिए, वो हर क्षण खुश रहते हैं और हर बार खूब खूब बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, मतलब मैं खुश हूं। बाबा शिवानंद ने एक गीत को कन्वर्ट करके गाया, बताया, गीत हिंदी का है, हिंदी फिल्म का, पुरानी फिल्म का है, हम सभी ने सुना है, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे गीत तू याद रखना, कभी अलविदा ना। बाबा शिवानंद ने इसको चेंज किया, चलते चलते मेरे गीत तू याद रखना, हर पल खुश रहना, हर पल हर हाल में खुश रहना। हमें हर हाल में खुश रहना है और हमें खुशी चाहिए। डर लगता है कि हम क्यों खुश हों, लेकिन नहीं, यदि हमें हंसी नहीं आती है, खुशी का एहसास नहीं होता है, तो पहले हम नाटक करें, सिर्फ नाटक। नाटक वास्तव में एक्चुअलिटी में, रियलिटी में चेंज हो जाती है। फिल्म के पर्दे पर हम उन व्यक्तियों को रोल करते, एक्टिंग करते हुए देख रहे होते हैं, वास्तव में गोविंदा डॉक्टर नहीं होता, इंस्पेक्टर नहीं होता, वकील नहीं होता या गायकार नहीं होता, लेकिन फिल्म के पर्दे पर हम उसको देखते हैं कि वो इंजेक्शन भी लगा रहा है, दवाई भी दे रहा है और एडवोकेट भी बन गया। अमिताभ बच्चन को हम जानते हैं कि सचमुच में वो कुली नहीं है, लेकिन वो कुली का भी काम करते हैं रेलवे स्टेशन पर, टोटल कुली के भावों को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं और हम उन्हें कुली के रूप में देख कर खुश हो रहे होते हैं। हम जानते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन उस एक्टिंग के ही वो पैसे ले रहे हैं, उस एक्टिंग से ही वो फेमस हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपने रियल कार्यों में एक्टिंग करें, नहीं, हमें जो चीज़ पाना है वो चीज़ नहीं मिल रही है, उसके लिए उसको सच में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको एक्टिंग करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि सचमुच 24 घंटे ही नहीं, 24 वर्ष गुजर गए हमें याद नहीं है, या 34 वर्ष गुजर गए, 64 वर्ष गुजर गए हमें ठीक से याद नहीं है कि हम पिछली बार कब खुलकर हंसे। क्यों? और चाहिए हमें वही, हम वही नहीं कर पाते हैं, वो खुशी हमारी किन चीजों में खो जाती है हम सब जानते हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता, समृद्धि और अच्छाइयों के बीच में खुशी खो जाती है और हम उन चीजों को पाने के लिए खुशी को दबाते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है।
ये सारी चीजें कैसे आएंगे, सचमुच जादू की तरह ही हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है और हर किसी के जीवन प्रकट हो सकती है। जैसा कि अभी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अगर आपके पास समय हो मैम तो बैठ सकती हैं थोड़ी देर, थोड़ा कर लीजिए आप। बिल्कुल सर, हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, आप जिससे भी करना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हम कर रहे थे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए बताना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है, इस अर्थ को जब हम समझ लेते हैं तो हम अपने कार्यों में कई गुना प्राप्ति कर पाते हैं, उतनी ही मेहनत में, उससे कम मेहनत में, उससे कम इन्वेस्टमेंट में, उससे कम एनर्जी इन्वेस्ट, टाइम मनी एनर्जी, तीनों चीज का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और इसके रिजल्ट में हम पहले से ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे और हम बिना थकान रहित चीजें प्राप्त। लेकिन ये जब तक नहीं जान रहे होते हैं तब तक हम कैसे काम कर रहे होते हैं, टाइम मनी एनर्जी तीनों चीजों की इन्वेस्टमेंट हम मैक्सिमम कर रहे हैं लेकिन अचीवमेंट हमको मिनिमम हो रहा होता है। इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि हम इस नियम को नहीं जानते। इस नियम को जानना मतलब हमारे जीवन का सौभाग्य है। ये नियम कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ हम बता रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण अट्रैक्शन आकर्षित करना, अर्थात समान वस्तु को आकर्षित कर, अपनी ओर आकर्षित, समान वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ध्यान देने की जरूरत है, हम इस नियम की बात कर रहे हैं, इस विश्व की, विश्व का सबसे बड़ा नियम, और इस नियम को जानने वालों ने अपने जीवन को बहुत शिखर ऊंचाई पर पहुंचाया है, चाहे वो अपनी कंपनी में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, परिवार में हो या किसी भी अवस्था में हो, उन्होंने अपने जीवन को सचमुच समृद्धशाली बनाया इस नियम को जानकर। और ये नियम काम करता है, ये नियम किसी समय अभी अभी काम कर रहा है। यदि हम सिर्फ एक मिनट के लिए मौन हो जाएं, साइलेंस हो जाएं और चुपचाप अपने स्थान पर बैठे बैठे एक ही मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, अभी तुरंत बंद करें और कुछ भी ना सोचें, जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, आंखें बंद करें, आने दीजिए, जाने दीजिए। जब हम साइलेंस की अवस्था में आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कितने विचार आए और गए, विश्लेषण में निष्कर्ष निकला, वैज्ञानिकों ने शोध किया, बताया कि एक दिन में आपके मस्तिष्क में 60,000 विचार आते हैं। सोचने की बात है कि 10 मिनट में यदि हम अपने विचारों को लिखना शुरू करें तो उतनी स्पीड में कॉपी में नहीं लिख पाएंगे जितनी स्पीड में उस 10 मिनट में विचार आ रहे हैं, कौन कौन से विचार आ रहे हैं हम पकड़ नहीं पाएंगे। और तारे की जब हम बात करते हैं, चौक चौक लाइए, नहीं इतने में हो जाएगा। इसी समय किसी पल अभी हम करीब 10 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं,
10 मिनट को भूल जाए। नहीं 20 मिनट होने वाला है। 10 मिनट को भूल जाइए, इस मिनट को याद रखिए। रोल आता है टी फॉर ये फॉर थर्ड की स्पेलिंग सही है के फॉर एक्शन आर फॉर रिजल्ट और ई फॉर एक्सपीरियंस। गरिमा आप उधर से अभी इसी एक मिनट में हम लोगों ने अपने आप को विचारों पर केंद्रित किया। विचार की बात कर रहे हैं, कार्य की बात नहीं कर रहे हैं, विचार की बात कर रहे हैं। और विचार मुझे लगता है कि इस संसार का आज से पहले सबसे बड़ा कार्य रहा और आज के बाद सबसे बड़ा कार्य रहा है। मुझे ऐसा लगता है विचार। हम फिजिकल वर्क की बात नहीं करते, हम मेंटल वर्क की बात करते हैं। जब हम मस्तिष्क से विचार नहीं कर रहे होते हैं तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि अभी हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं आ रहा? 100%